हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है, हमारी मशीन लॉक हो गई है, रस्सी हमारी घूम रही है पर मशीन नहीं चल रही है। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लॉक हो गया है, मशीन जाम है, धागा हुक सेटल में फंस गया। धागा निकालना किस तरह है वो बता रहे हैं। पहले आप इसको कोने अंदर खोलिएगा, चाँप को। चाँप खोलने के बाद ये आपका पूरा निकालना है, चाँप का नट। उसके बाद ये आपका प्लेट खोलना है, ये आपका प्लेट हो गया। धागा बॉबिन केस वाला ही फंसता है, अगर बॉबिन केस वाला धागा सही से ऊपर कर लीजिएगा तो नहीं फंसेगा। बाई चांस कभी ऐसा होता है, बाई चांस धागा है अंदर में फंस गया, ये आपको फंस गया जाम है। सुइया को निकालना होगा धागे से। देखिए धागा आपका इसमें फंसा हुआ है ना, यहाँ धागा नज़र आ रहा है, ये धागा फंसा हुआ है, ये देखिए ये हुक सेटल में फंसा हुआ। तो उसको निकालना किस तरह वो दिखा रहे हैं। इसको आपको मशीन को हटाना उठाना होगा। मशीन को उठाने के बाद इस तरह रखना होगा। देखिए यहाँ धागा फंसा हुआ, यहाँ धागा फंस गया, नज़र आ रहा धागा, ये धागा फंस गया है, इसका अंदर में धागा फंस गया। देखिए अंदर चल गया धागा, तो किस तरह खुलेगा उस तरह बता देते हैं आपको। हुक कैसे खुलेगा, ये आपका यहाँ से एक स्टॉपर होता है, ये हुक सेटल का दिख रहा है, नीचे देखिए नजर आ, देखिए ये नट है ना, ये नट है ना, ये यहाँ पे स्क्रू रहता है, ये खोल लेना है, नट को खोल करके निकाल लेना है। देखिए नट निकला, ये आपका नट है, ये आपका स्टॉपर है, ये आपको इधर निकाल देना है, ये निकल गया, ये स्टॉपर निकल गया। उसके बाद ये आपका मशीन को फ्री हो जाएगा, तो यहाँ से आपको खोल देना है, ये आपको हुक सेटल को खोलना है। धागा निकालने के लिए खोलना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं है, ये आपको निकल गया। देखिए धागा इसमें फंसा हुआ, ये धागा निकाले, यार भी फंसा हुआ इसमें, ये देखिए ये धागा फंसा हुआ। फिर उसी तरह लगाना है बॉबिन के, इसको पहले निकाल लेना है, इसको सब अच्छा से साफ करना है, जो धागा होगा इसमें फंसा हुआ ये सब निकाल लेना है। फिर उसी तरह लगाना जिस तरह हम खोले थे, उसी तरह पहले ये आपका जाएगा, यहाँ इस सिस्टम से जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऊपर में रहेगा, इस पॉइंट में ये वाला, इस पॉइंट में ये वाला इस तरह ऊपर जा कर के टाइट होगा। देखिए इस तरह ये टाइट होगा ऊपर जा कर के, देखिए जा रहा इस तरह जाएगा, ऊपर गया ये, इसका यहाँ गार्ड है, गार्ड में यहाँ जाके फंस गया ये। उसके बाद पेचकस से इसको टाइट कर देना, ये नट जो खोले थे हम, ये आपका खोल दिए थे, इसको टाइट कर दी। सुई को नीचे करके देना, ये वाला गार्ड में बीचे बीच आ रहा सुई है ना, यहाँ बीचे बीच आना चाहिए, साइड गिर रहा तो यहाँ से आपको बड़ा छोटा करने का रहता है एडजस्टिंग। इधर घसकाना है तो घसक गया, इधर घसकाना ऊपर, यहाँ से होता है 1 इंची 1.5 इंची 1.75 इंची का जगह होता है। देखिए यहाँ से फिर आपका हुक मिलाना है, यहाँ हुक आपको इस तरह मिलाना है, ये आपको पॉइंट वाला सामने को होना चाहिए, सुई में धागा लगता है उससे हल्का सा बीस करके लगाना। देखिए इसको टाइट कर देना ये नट से, टाइट कर देना, फ़र्क भी नहीं होना चाहिए और टकराना भी नहीं चाहिए। उसका तीनों हल्का 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 टाइट किया, इसका फुल टाइट दे दिया पूरा ताकत से, फुल टाइट, तभी आपका घूरेगा बढ़िया मशीन। देखिए पानी की तरफ फिर ही चलेगा, ये देखिए एकदम फ्री हो गया। पहले मशीन मेरा जाम चल रहा था, खाली बेल्ट चल रहा था, मशीन चल नहीं रहा था, मशीन जाम था। ये आपका धागा फंस गया था, धागा निकाल दिया, आपको सामने चला के दिखा दिए, ये आपका ठीक है। बाकी इसी तरह निकाल के फिर आपका ये प्लेट वाला चाप लगाना है, प्लेट लगाना, चाप लगाना, ये प्लेट का दोनों नट है उसको टाइट अच्छा से कर दिया, ताकि मेरा सुई इधर उधर प्लेट घस के तो सुई नहीं टूटे। इसको थोड़ा टाइट ज़्यादा कीजिएगा इस तरह। इसके बाद ये आपका चाप लगा दिए यहाँ पे, ये चाप चाप यहाँ से टाइट कर।
टाइट हो गया, ये आपको गिराया देखिए, चल रहा ना। इसी तरह आपको सारा चीज़ आपको इसी में फ्री रहेगा, जैसे सिस्टम बताएं धागा फंस जाएगा, निकालना है मशीन को उल्टा नहीं चलाना है, उल्टा चलाइएगा धागा फंस सकता है, सीधा में कभी नहीं फंसेगा। फिर अपना सिलाई देख लेंगे। आपने देखा मशीन हमारी लॉक हो गई थी, भैया ने कैसे इसे ठीक करके बताया। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं मशीन की और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।